हेलो एवरीवन, कल लास्ट क्लास में हमने कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। देखो, टेस्ट क्रॉस जो है उसको भी मेंडल ने ही डिवाइस्ड किया था किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए। इस क्रॉस में कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका डोमिनेंट फिनोटाइप जो होता है लेकिन उसका जीनोटाइप हमें पता नहीं होता, उसको रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवा दिया जाता है और उसका जीनोटाइप पता किया जाता है। उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है आपको फ्लावर के कलर को लेकर। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है, यानी एक ही कैरेक्टर को लिया है, वो है फ्लावर का कलर, जिसमें डोमिनेंट तो है वॉयलेट कलर फ्लावर का और रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो है वाइट कलर फ्लावर का। ठीक है, तो देखिए टेस्ट क्रॉस डेफिनेशन। इट इज़ अ मेथड डिवाइस्ड बाय मेंडल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन दिस क्रॉस द ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव इंडिविजुअल। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन वॉयलेट कलर फ्लावर, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया है, एंड वाइट कलर फ्लावर, इसको स्मॉल W से रिप्रेजेंट किया है। द F1 हाइब्रिड वॉज वॉयलेट कलर फ्लावर। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? F1 प्रोजेनी, जो वॉयलेट कलर ही होती है फ्लावर की। तो अब हम ये कह रहे हैं कि डोमिनेंट फिनोटाइप को हम रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराएं, तो उसमें हम दो केस ले सकते हैं। फर्स्ट केस देखो आप, फर्स्ट केस में क्या किया गया है, फर्स्ट केस के अंदर जो डोमिनेंट फिनोटाइप लिया वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि जो ये W लिया है, ये W जो है उसको हमने होमोजाइगस दिया है, कैपिटल W कैपिटल W दोनों ही कैपिटल और डोमिनेंट, और इसको रेसेसिव से कराया, रेसेसिव तो होमोजाइगस फॉर्म में ही रहेगा, स्मॉल W स्मॉल W। ठीक है, अब इससे गैमिट बनाया, इसमें कैपिटल W इसमें स्मॉल W, दोनों को क्रॉस करवाया तो क्या आया, कैपिटल W स्मॉल W। तो हमको फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर तो क्या मिल गए, वॉयलेट कलर फ्लावर मिल गए। यानी कि जब फर्स्ट जनरेशन के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर हुआ, इसका मतलब जो अननोन जीनोटाइप था वो था होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इसका सेकेंड केस भी लिया जा सकता है। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि जो जीनोटाइप लेंगे वो हेट्रोजाइगस लेंगे हम, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, पेरेंट्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल W स्मॉल W, रेसेसिव से ही क्रॉस करवाना है। इसमें दो तरह के गैमिट्स बने, कैपिटल W और स्मॉल W, और यहाँ पर तो स्मॉल W ही बनेगा। तो कैपिटल W को स्मॉल W से क्रॉस कराया तो वॉयलेट कलर मिल गया, ऐसे स्मॉल W को स्मॉल W से कराया तो वाइट कलर मिल गया। मतलब कहने का कि जब हम अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं तो हमको F1 प्रोजेनी के अंदर 1:1 मिलता है, यानी कि दोनों ही कलर के फ्लावर वहाँ पर हमको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है, इफ़ ऑल द F1 प्रोजेनी आर वॉयलेट कलर देन द प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। जैसे कि अभी हमने इस फर्स्ट केस में देखा, यहाँ पर F1 में हमको क्या मिला, सब वॉयलेट कलर ही मिले, इसका मतलब ये क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, दैट इज कैपिटल W कैपिटल W। एंड इफ द प्रोजेनीज आर इन 1:1 1:1 में मिली, देन द प्लांट इज हेट्रोजाइगस, दैट इज कैपिटल W स्मॉल W। तो ये है हमारा टेस्ट क्रॉस। सिंपल सा है कि जो भी फिनोटाइप है डोमिनेंट फिनोटाइप, वो होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, उसको रेसेसिव के साथ में क्या करवाना है, क्रॉस। और अगर F1 प्रोजेनी में हमको सब डोमिनेंट कैरेक्टर मिले तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म का डोमिनेंट फिनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस। लेकिन अगर हमें दोनों ही रेशो मिलते हैं कैरेक्टर के तो फिर वो क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, पहला केस तो आपका ये हो गया, मतलब पहला एक टॉपिक था टेस्ट क्रॉस, ये हो गया, इसमें टू केसेस आपको बताए। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं हमने, आज का जो टॉपिक है हमारा सेकंड वो है अब हमारा प्लियोट्रॉपी। क्या होता है, देखो प्लियोट्रॉपी छोटा सा पॉइंट है, ये एक ऐसा फेनोमेनन है जिसके अंदर एक सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को एग्जिबिट करता है, यानी कि एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस देता है ना।
अब प्लियोट्रोफिक जीन्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक पाथवेज को इफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से ही डिफरेंट फिनोटाइप्स मिल जाते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ बताया है फिनाइल कीटोनूरिया नाम की एक डिजीज़ का, इसके बारे में आपको आगे भी बताया है, आगे भी आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में इसके बारे में। ये फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो एक जीन के अंदर म्यूटेशंस की वजह से हो जाता है। वो जीन क्या करता है, एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसको कोड करता है। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन एज वेल एज रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, इस तरह के अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स को शो करते हैं या फिनोटिपिक इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो ये है प्लियोट्रोफी। ऐसा ही एक एग्जांपल ड्रोसोफिला का भी दे रखा है कि ड्रोसोफिला के अंदर एक जीन है जो विंग साइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या कर सकता है, नेचर ऑफ बैलेंसर्स, कलर ऑफ आई, डॉर्सल ब्रिस्टल्स, फर्टिलिटी और उसकी लॉन्गिविटी को ड्रोसोफिला की इफेक्ट कर सकता है। तो प्लियोट्रोफी जहाँ पर एक सिंगल जीन क्या कर रहा है, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को एक्सिबिट कर रहा है। तो मैंने आप लिखा है इट इज़ द फेनोमेनन इन विच अ सिंगल जीन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। द प्लियोट्रोफिक जीन्स अफेक्ट्स द मेटाबॉलिक पाथवेज रिजल्टिंग इन डिफरेंट फिनोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोनूरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स शो मेंटल रिटार्डेशन एज वेल एज रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, ये था आपका प्लियोट्रोफी। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका शॉर्ट छोटा, वो है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। छोटा सा ही टॉपिक है, देखो क्या है ये, इसका ऑपोजिट मान लो आप। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो कर रहा था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इस प्रकार की इनहेरिटेंस है जहाँ पर एक ट्रेट थ्री और मोर देन थ्री जीन्स के जरिए क्या होगा, कंट्रोल होगा। एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, तीन या तीन से अधिक जीन कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो फिनोटाइप बनेगा नया वो क्या करेगा, हर एक एलील के कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करेगा और एनवायरनमेंट के साथ भी क्या होगा, वो फिनोटाइप इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है आपको, वो स्किन कलर का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स। The phenotype reflects contribution of each allele and is also influenced by the environment. For example, human skin color. अब human skin color के लिए हम देखते हैं, हम suppose करते हैं three genes हैं A, B और C जो skin के color को control कर रहे हैं। अब इनके हम क्या बनाएंगे, alleles। तो हमने एक तो बना लिए dominant capital A, B और C being the dominant allele हो गए। अब इसके हम रेसेसिव बनाएंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी हमने रेसेसिव एलील बना लिए। तो क्रॉस करवाएंगे, पेरेंट्स जो है वो देखे हमने कैपिटल ए कैपिटल बी बी और सी, इसी तरह से ये स्मॉल ले लिए, जो कैपिटल थे वो डार्क कलर को कंट्रोल करते हैं और ये वाइट कलर को। इनका गैमेट बनाया ए बी सी, इनका बनाया है स्मॉल ए बी सी। ठीक है, अब जब इनमें क्रॉस कराया तो हमको इंटरमीडिएट कलर वहाँ पर मिला। तो द F2 जनरेशन विल हैव वेराइड स्किन टोन्स विथ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप डिटरमाइनिंग द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो ये था आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। थ्री टॉपिक्स हो गए हमारे यार। टेस्ट क्रॉस क्या था, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं, जहाँ पर कि क्या है, हम किसी भी अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन करते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप को रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाकर, उसको तो हमने क्या कहा, टेस्ट क्रॉस कहा, जहाँ पर एक फ्लावर के कलर का एग्जांपल दिया गया। सेकंड टॉपिक जो था हमारा वो था प्लियोट्रोफी। प्लियोट्रोफी क्या होती है, एक ऐसा फेनोमेनन था प्लियोट्रोफी जहाँ पर कि एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को शो करता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक पाथवेज को इफेक्ट करने की वजह से डिफरेंट फिनोटाइप्स दिखाता है, उसको हमने क्या कहा है, प्लियोट्रोफी। और एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि एक ऐसा फेनोमेनन जहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्रेट है वो थ्री और मोर जीन्स के जरिए कंट्रोल हो रहा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच
अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स और सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाते हैं वो, और यही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है. और द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट. जहाँ पर हमको क्या एग्जाम्पल लिया है, स्किन के कलर का, ह्यूमन स्किन के कलर का एग्जाम्पल दिया गया है. ठीक है, तो थ्री टॉपिक्स हो गए आज के. अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.